सारा और मैं आपको सच दोस प्रोग्राम के एक नई एपिसोड में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बाइबल मुकद्दस के एक नए किरदार के बारे में जानने के लिए तैयार होंगे। तो आज हम आपको जिस शख्स से मिलवाने जा रहे हैं वो नए अहदनामे की बड़ी अहम शख्सियत है और उनकी जिंदगी में बहुत से ऐसे उतार चढ़ाव आए, लेकिन वो अपने ईमान पर कायम रहे और यीशु मसीह ने उन्हें खास जिम्मेदारी सौंपी और एक खास नाम दिया। तो ये तो हम उन्हीं से जानेंगे कि यीशु मसीह ने उन्हें क्या नाम दिया। तो मैं आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाती और आपको मिलवाती हूँ आज के मेहमान से, जिनका नाम है मुकद्दस पत्रस रसूल। मुकद्दस पत्रस, मैं आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप आज हमारे प्रोग्राम में आए। मोहतरमा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी। मुकद्दस पत्रस, आज हम आपकी जिंदगी के बारे में बहुत सी बातों को जानना चाहते हैं और खास उस वक्त के बारे में जानना चाहते हैं जो यीशु मसीह के साथ गुजरा, कि वो कैसा था। जी क्यों नहीं, मुझे तो बताने में बहुत खुशी होगी। तो चलिए आपके नाम से शुरू करते हैं। तो मुझे बताएं कि आपके नाम पत्रस का मतलब क्या है। मेरे नाम का मतलब चट्टान है और ये नाम मुझे यीशु ने दिया, जबकि मेरा पहला नाम शमाऊन था। अरे वाह, कितनी खुशी की बात है कि यीशु मसीह ने आपको एक नया नाम दिया। तो मुकद्दस पत्रस, हमें बताएं कि आप किस जगह रहते थे। मैं बैतसैदा का रहने वाला था, मगर फिर बाद में मैं और मेरा खानदान कफरनहूम में मुंतकिल हो गए। ओह अच्छा, मुकद्दस पत्रस, तो बताइएगा आप काम क्या करते थे। मैं और मेरा भाई इंद्रियास माहीगीर थे, यानी मछलियां पकड़ते थे। मुकद्दस पत्रस, लोगों का आपके बारे में ख्याल था कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो क्या ये बात दुरुस्त है। एक यहूदी होने की हैसियत से आप जानते हैं कि हर यहूदी बच्चा 12 साल तक इब्ने शरीयत की तालीम हासिल करता है और मैंने भी इब्ने शरीयत की तालीम हासिल की हुई थी। जबरदस्त। मुकद्दस पत्रस, आप हमें ये बताएं कि आपको यीशु मसीह कब और कैसे मिले और क्यों आपने यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला किया। ये तब की बात है जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी और वो गनेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर जो शमाऊन की थी उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमाऊन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमाऊन ने जवाब में कहा, ऐ उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमाऊन पत्रस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ए खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए, और वैसे ही जबदी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी जो शमाऊन के शरीक थे हैरान हुए। यीशु ने शमाऊन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। वो कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। ये तो एक मौजजा था जो यीशु मसीह की बदौलत हुआ। जी बिल्कुल, यीशु मसीह मेरी उम्मीद बन कर आए। वो मुझे सिखाना और अपना जलाल दिखाना चाहते थे और उसके बाद ही मैंने यीशु के पीछे चलने का फैसला किया। मुकद्दस पत्रस, आपका यीशु मसीह के साथ गुजरा हुआ वक्त कैसा था। मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त ही था जो खुदावन के साथ गुजरा, क्योंकि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए जिनके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो क्या आप उन कामों के बारे में हमें बताएंगे। जी जी क्यों नहीं, वैसे तो मैं हर वक्त यीशु के साथ रहता था
और यीशु मसीह के सारे मुजजात अपनी आंखों से देखे और उनकी तालीमात को भी सुना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह ने मेरी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए जिन पर मेरा पानी पर चलना, मेरे पहले वास से 3,000 लोगों का यीशु मसीह को कबूल करना, हैकल में जन्म के लंगड़े को शिफा देना, मुजजाना तौर पर कैद से रिहाई पाना। जनाब, तो क्या आप पानी पर भी चले थे? जी मोहतरमा। मुकद्दस पत्रस, ये तो नामुमकिन बात है। कोई इंसान पानी पर कैसे चल सकता है? तो फिर आप पानी पर कैसे चले? ये मेरे गुदाम यीशु मसीह का कमाल है, क्योंकि वो खुद पानी पर चल रहे थे। आपने दुरुस्त कहा कि कोई भी पानी पर नहीं चल सकता, क्योंकि यीशु मसीह एक ही वक्त में खुदा और इंसान भी थे, इसलिए वो पानी पर चल रहे थे और हमारे पास कश्ती में आ रहे थे। और वो रात का चौथा पहर और हवा भी तेज चल रही थी, और मैंने और बाकी साथियों ने जब यीशु को देखा तो पहले तो हम सब डर गए, क्योंकि हमें लगा कोई भूत है, क्योंकि हम यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। क्यों, यीशु मसीह आपके साथ कश्ती पर नहीं थे? नहीं, रबी हमारे साथ कश्ती में नहीं आया था, क्योंकि वो तन्हाई में दुआ के लिए रुक गए थे और हम झील के दरमियान में थे। लेकिन जब उदावन पानी पर चलते चलते कश्ती के करीब आए और हमारी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, डरो नहीं, ईमान रखो, मैं हूँ। हालेलुया, वैसे कितना शानदार नजारा होगा ये। मुकद्दस पत्रस, फिर आगे क्या हुआ? जब मैंने यीशु मसीह की आवाज सुनी और रब्बी को पानी पर चलते देखा तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, तो अपनी फितरत के मुताबिक फौरन बोल उठा और रब्बी से कहने लगा, अगर यीशु मसीह आप है तो मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलकर आपके पास आऊं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि मैं ईमान में कमजोर हुआ था और मैं अपनी आजमाइश में खुद ही फंस गया। जनाब, आप तो माहिगीर थे, तो क्या आप इससे पहले कभी पानी पर चले? नहीं, लेकिन उस रात जब मैंने पानी पर चलने की रिक्वेस्ट की तो यीशु ने मुझे कहा, आ। मैंने डरते हुए अपने पांव कश्ती से बाहर निकाल कर रखे और आहिस्ता आहिस्ता पानी पर चलने लगा। मैं यीशु को देखते हुए जा रहा था और दिल से घबराया हुआ था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का काफी हिस्सा माहिगीरी के काम में गुजरा और सारा सारा दिन झील के पानी में गुजारता था, लेकिन कभी भी ना मैंने किसी को पानी पर चलते देखा और ना वो चल सका। पर उस रात मेरे आका यीशु मसीह ने पानी पर चलकर और अपनी कुदरत से पानी पर चलाकर ये साबित कर दिया कि यीशु दुनिया का खालिक है। मुकद्दस पत्रस, आप किस आजमाइश में फंस गए? मैं पानी पर चल रहा था, अभी चंद कदम चला, अचानक तेज हवा की वजह से मैं डगमगाने लगा और पानी में गिर गया और डूबने लगा और जोर से यीशु मसीह को मदद के लिए पुकारने लगा। यीशु ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे डूबने से बचाया और मैं और यीशु मसीह कश्ती पर सवार हुए। पत्रस, वैसे मैं सोच रही थी कि आप पर ये आजमाइश आई ही क्यों? मैं समझता हूँ कि मेरे जज्बातीपन और कम ईमान की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन खुदा का शुक्र है कि यीशु मसीह कमजोर ईमान का इलाज करता है और हर मुश्किल परेशानी से बचाता है और मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ता है और ना डूबने देता है। अच्छा, तो आप जज्बाती भी थे? जी, बहुत जज्बाती था और इसकी वजह से मुझे यीशु से कई मर्तबा डांट भी पड़ी, लेकिन यीशु मुझे प्यार करते थे और समझाया करते थे, क्योंकि मुझे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था। और इतना गुस्सा कि उस सिपाही का कान ही काट दिया जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया था। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, इसलिए जल्दबाजी और गुस्सा में मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया। ये यीशु का जलाल है जो ज्ञान और समझ से बाहर है, और उसी वक्त यीशु ने उसका कान ठीक कर दिया। सच में यीशु का जलाल बयान से बाहर है और बाइबल मुकद्दस में यीशु के जलाल के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है। आज आप हमारे नाज़रीन को बाइबल मुकद्दस में से कौन सी आयत सिखाना चाहेंगे? मैं आपको जो आयत बताना चाहता हूँ वो मत्ती की अंजील 16 बाब उसकी 16वीं आयत से है, जहाँ लिखा है, शमौन पतरस ने उससे कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आपने 3 बार यीशु मसीह का इनकार किया, तो आपने ऐसा क्यों किया? दरअसल उस वक्त मैं डर
गया था और नहीं जानता था कि क्या कहूँ, और उसके बाद मैं बहुत पछताया भी। ओहो, लेकिन मुकद्दस पत्रस, आपने जितना टाइम मसीह यीशु के साथ गुजारा, आपको उनकी कौन सी बात ने सबसे ज्यादा मुतासर किया? मुझे आज भी वो दिन याद है जब यीशु ने मुझसे कहा, मछलियां पकड़ना छोड़, मैं तुम्हें आदमगीर बना दूंगा, और यीशु ने मुझे महगीर से आदमगीर बना दिया। मुकद्दस पत्रस, यीशु ने आपकी जिंदगी में बहुत से जलाली काम किए, क्या आप उन कामों को हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? जी हाँ, मैंने यीशु के फजल से कलीसिया को कायम किया, फिर यीशु की कुदरत और कुवत से मैंने जन्म के लंगड़े को शिफा दी, हनन्या और सफीरा की रियाकारी से पर्दा उठाया, और मुझे जहाँ मौका मिलता मैं ये खुदा की मुनादी करता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह की मोहब्बत ने मुझे मजबूत किया और मेरी जिंदगी को तब्दील किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में आने की दावत दें, फिर देखें जिस तरह उसने मेरी जिंदगी को बदल डाला, वो आप सबकी जिंदगी को भी तब्दील कर देगा। यकीनन, अगर खुदा आपको माहिगीर से आदमगीर बना सकता है, तो फिर दूसरों की जिंदगी में भी बहुत से जलाली काम कर सकता है। मुकद्दस पत्रस रसूल, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने आज हमें वक्त दिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, यीशु ने हमें चुना इस काम के लिए था कि हम दूसरों को खुशखबरी सुनाए और यीशु से नावाकिफ लोगों को यीशु के सच्चे दोस्त बनाए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के प्रोग्राम से यीशु के शागिर्द मुकद्दस पत्रस की जिंदगी से बहुत सी बातों को जाना होगा। इनकी जिंदगी के बारे में आपको मजीद बताती चलूं कि इनकी खिदमत से कलीसिया कायम हुई जो आज दिन तक कायम है, और आज के इस प्रोग्राम सच्चे दोस्त में आपने ये भी जाना होगा कि किस तरह यीशु मसीह ने मुकद्दस पत्रस रसूल की जिंदगी में आकर उनकी जिंदगी तब्दील की। और अगर आप भी अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहते हैं, तो आप यीशु मसीह के हुक्मों पर अमल करके और उससे दुआ करके उनको अपनी जिंदगी में आने की दावत दे सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट कैप्टन सारा को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।